नजरों से नजरें जो मिली, जिंदगी यूं हंसी हो गई। तेरे बिना जिया जाए ना अब, पूरी हो तुमसे मेरी हर कमी। बंद आँखों से भी तेरा चेहरा दिखाई देता है, बंद होठों से भी तेरा नाम सुनाई देता है। ऐ दिल मेरे सुन ले जरा, तू क्यों बेकरार है। यही तो प्यार प्यार है, ये प्यार है प्यार है। यही तो प्यार प्यार है, ये प्यार है प्यार है। बात समझने की कोशिश करो नताशा, अहमियत इंसान की नहीं दौलत की है। लोग दिल नहीं जेब देखते हैं। मैं मानती हूँ आजकल बिल्कुल ऐसा ही है, मगर अहमियत इंसान की होनी चाहिए, पैसे की नहीं। इंसान बेचारा तो हर जगह खज्जल ख्वार हो रहा है और पैसा राज कर रहा है। गरीब अगर लड़की हो तो उसे प्यार की नहीं हमेशा हवस की नज़रों से देखा जाता है। नजरों से नजरें जो मिली, जिंदगी यूं हंसी हो गई। तेरे बिना जिया जाए ना अब, पूरी हो तुमसे मेरी हर कमी। बंद आँखों से भी तेरा चेहरा दिखाई देता है, बंद होठों से भी तेरा नाम सुनाई देता है। ऐ दिल मेरे सुन ले जरा, तू क्यों बेकरार है। क्या हुआ नताशा? कुछ नहीं। कुछ तो हुआ है, तुम्हारे चेहरे की हवाएं उड़ी हुई हैं। बहुत भूख लग रही है, प्लीज कुछ खाने को ले आओ। अच्छा ठीक है, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आती हूँ। थैंक्स। अम्मा जल्दी करें, नताशा खाना मांग रही है। ये क्या नई मुसीबत पाल ली है तुमने बैठे बिठाए? अम्मा नताशा मुसीबत नहीं है बल्कि मेहमान है, और मेहमान भी पेइंग गेस्ट, कमरे में रहने का किराया और खाने पीने का बिल भी देती है। है कौन ये, ना आगा ना कोई पीछे है। अम्मा उसको दुनिया में कोई भी नहीं है, एक ऑफिस में काम करती है और
लड़की की तलाश में है। मुझे ये लड़की चालबाज लगती है, फरा कहीं हमारे लिए परेशानी का सबब ना बने। अम्मा ऐसी कोई बात नहीं है, बेचारी मजबूर और बेबस लड़की है, इसकी मदद करना तो सवाब का काम है। सवाब कहीं गुनाह में ना बदल जाए, लेने के देने ना पड़ जाए हमें कहीं फरा। अम्मा क्या हो गया आपको? तुम्हें नहीं पता आजकल बाहर क्या क्या फ्रॉड हो रहे हैं, लोग दाई दिखा के बाई मार जाते हैं। हमारे इस घर में है ही क्या जो नताशा लूट के चली जाएगी? इस घर में छत तो है ना, कहीं वो भी ना छीन जाए हमारी। अम्मा किसी को लेके ना ऐसे बदगुमान नहीं होना चाहिए। क्या हुआ नताशा, कहाँ खोई हुई हो? ऐसी कोई बात नहीं। बात तो है, आज सुबह से ही तुम्हारा मूड खराब नजर आ रहा है। ये बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठे अमीरजादे पता नहीं अपने आप को क्या समझते हैं। शहजादे? और हम क्या हैं? उनकी ऐशी का सामान? अरे हुआ क्या है? गाड़ी में बैठा बैठा ऐसे घूर रहा था मुझे जैसे अभी झपट लेगा। तो झपटा तो नहीं ना? मुंह ना नोच लेती मैं उसका। अरे हो सकता है कि तुम उसे पहली नजर में अच्छी लग गई हो। गरीब और गुर्बत किसी को नहीं अच्छी लग सकती। हाँ पर शक्ल से तो तुम भी गरीब नहीं लगती हो। क्या मतलब? मतलब छोड़ो, तुम खाना खाओ, मतलब तुम्हें वही समझा देगा। खाना नहीं खाना, चाय पीनी है। ओके थैंक्स। प्रॉब्लम क्या है तुम्हारा? प्यार हो जाए ना तो फिर प्यार जिससे करते हैं उसका थप्पड़ भी प्यार लगता है, गुस्सा नहीं। काश वो तुम्हारे मोहल्ले का कोई करीब सा लड़का होता जो मुझे टूट कर चाहता। मतलब आजकल तो लड़कियां ऐसे ही लड़का देखती हैं जिसके पास गाड़ी हो, बंगला हो और ढेर सारी दौलत हो। तेरे बिना जिया जाए ना, अब पूरी हो तुमसे मेरी हर कमी। बंद आँखों से भी तेरा चेहरा दिखाई देता है, बंद होठों से भी तेरा नाम सुनाई देता है। दिल मेरे सुन ले जरा, तू क्यों बेकरार है? यही तो प्यार है, प्यार है, ये प्यार है, प्यार है।
तेरा करूँ मैं जिक्र शाम सहर, तुझसे जुड़ा है दिल जाऊं किधर, धूप तुझे जो सताए अगर, साया बनूं मैं तेरा हम सफर, उम्र भर के लिए तू ठहर जा ओ जाने जा, है दिल मेरे सुन ले जरा, तू क्यों बेकरार है, यही तो प्यार है, प्यार है। अरे नताशा, तुम आज जल्दी आ गई ऑफिस से। मैंने वापसी का टाइम चेंज किया है। ओह, तो कैसा करने से कोई फर्क पड़ा? तो इसका मतलब है कि तुम जल्दी जाओ या देर से आओ, वो तुम्हारे रास्ते में खड़ा रहता है। क्या तुम्हें उससे अब भी डर लगता है? जब पहली बार देखा था उसे तो बहुत डर लगा था। यूं महसूस हुआ जैसे वो कभी भी मुझे जबरदस्ती उठा ले जाएगा, पर अब डर तजस्सुस में बदलता जा रहा है। तजस्सुस? कैसा तजस्सुस? वो बोलता क्यों नहीं है? कहीं वो सचमुच गूंगा तो नहीं है? हो सकता है ऐसा ही हो। तुम आज फिर यहां चाहते क्या हो? तुम बोलो, बोलते क्यों नहीं? प्रॉब्लम क्या है तुम्हारा? नजरों से नजरें जो मिली, जिंदगी यूं हंसी हो गई, तेरे बिना जिया जाए ना अब, पूरी हो तुमसे मेरी हर कमी, बंद आंखों से भी तेरा चेहरा दिखा। यार इतना भी क्या उस लड़की में? तूने मारी बेइज्जती करवा दी है। तेरे अंदर गैरत नाम की चीज है या नहीं? प्यारे, कभी तूने प्यार नहीं किया। प्यार हो जाए ना तो फिर प्यार जिससे करते हैं उसका थप्पड़ भी प्यार लगता है, गुस्सा नहीं। यार मुझे तेरी ना बकवास नहीं सुननी, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना खिला। चल नाराज ना हो, चल तुझे खाना खिलाता हूँ, चल आजा आजा। क्या हुआ नताशा? मोहब्बत। मोहब्बत? हाँ फरा, मुझे उससे मोहब्बत हो गई है। अरे पगली, तो इसमें मुंह लटकाने वाली क्या बात है? मैंने उसे थप्पड़ मार दिया। क्या थप्पड़? मगर क्यों? मुझे क्यों हुई उससे मोहब्बत? मैं तो किसी और की तलाश में थी। तुम किसकी तलाश में मोहल्ला मोहल्ला भटक रही हो? काश वो तुम्हारे मोहल्ले का कोई करीब सा लड़का होता जो मुझे टूट कर चाहता। अरे तुम किस किस्म की लड़की हो? मतलब आजकल तो लड़कियां ऐसे ही लड़का देखती हैं जिसके पास गाड़ी हो, बंगला हो और ढेर सारी दौलत हो,
और तुम? मगर मुझे ऐसा लड़का नहीं चाहिए। ओके। तुम यहां? कल के थप्पड़ के बाद भी तुम्हारी दीवानगी नहीं गई? बोलो, कुछ बोलते क्यों नहीं? गूंगे हो क्या? तो बोलो। क्या बोलो? क्यों आए हो यहां? तुम्हें देखने के लिए। मुझे देखने या अपनी गाड़ी और लशपश दिखाने? मैं इन सब चीजों से इंप्रेस होने वाली नहीं हूं। जाओ अपना काम करो। नहीं नहीं, गलत समझी हो तुम। मैं तुम्हें ये सब चीजें नहीं, अपना दिल दिखाने के लिए आया हूं। वो दिल जिसमें तुम बस गई हो। क्या हुआ? आज भी आया था वो? आज तो उसने हद ही कर दी। ऑफिस आ गया था मेरे। क्या? तो क्या कहा तुमने उसे? मैंने उसे डांटा और कहा क्यों आए हो यहां। तो उसने कहा तुम्हें देखने के लिए। गलत समझी हो तुम। मैं तुम्हें ये सब चीजें नहीं, अपना दिल दिखाने के लिए आया। वो दिल जिसमें तुम बस गई हो। नजरों से नजरें जो मिली। तो क्या तुमने उसे अपने बारे में बताया? मेरे पास बताने को था ही क्या? यही कि तुम्हारे दुनिया में कोई नहीं है और दो वक्त की रोटी के लिए तुम बताऊंगी, मगर अभी नहीं, वक्त आने पे। क्या डरती हो तुम कि तुम्हारी असलियत जान के वो तुम्हें छोड़ ना दे? हाँ, डरती भी हूँ कि कहीं मुझे छोड़ ना दे, और चाहती भी हूँ कि मुझे छोड़ दे, क्योंकि मैं उसकी तलाश में नहीं थी। ये क्या बात हुई भला? इंसान जो नजर आता है ना, वो असल में होता नहीं है। ये शक तो कई बार मुझे भी तुम पर हुआ है कि तुम जैसे दिखती हो वैसी हो नहीं। मैं अपनी नहीं, उसकी बात कर रही हूँ। चलो ठीक है, अपना मूड ठीक करो। मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आऊँ, कुछ ठंडा? हाँ, मैं फ्रेश हो जाती हूँ। चलो ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। ये आपके कपड़े, एडवांस में पैसे दे गया था मैं, कराए। हाँ हाँ, वो तो ठीक है, आपके लिए नए कपड़े बनवाए हैं और आप पे बिल्कुल फिट आएंगे। छोटे कपड़े दिखा। नहीं नहीं, जरूरत नहीं है। देखो तो सही, देखो तो सही, आप पर बड़े खूबसूरत लगेंगे और मुतासिर हो जाएगी। नहीं नहीं, मुझे जरूरत नहीं है। आप क्यों, क्या हुआ? आमिर भैया, क्या वो लड़की मुतासिर हो गई या आपको रिजेक्ट कर गई? नहीं, मैं उसे सच बताने जा रहा हूँ। लो भैया, सच का सिक्का कौन से बाजार में चलता है आजकल? जी जानता हूँ मैं, लेकिन क्या करूँ, क्या करूँ मैं? मुझे उससे मोहब्बत हो गई है और मोहब्बत में झूठ को मैं जायज नहीं समझता। सच बताओगे तो मुंह मोड़ कर चली जाएगी।
आजकल बेटा सच नहीं ख्वाब बिकते हैं ख्वाब, और लड़कियों को ख्वाब दिखाकर ही तो फंसाया जाता है। छोटे नए सूट दिखा। ये ले सर जी। नहीं चाहिए, मैं उसे धोखा नहीं दे सकता। नहीं चाहिए आपके ये कपड़े। मेरे जहन में एक सवाल आ रहा है। पूछो। क्या उसके घर वाले तुम्हें कबूल कर लेंगे? मैं उसे शादी नहीं करूंगी। क्या? हाँ, क्योंकि मुझे उसकी तलाश नहीं थी, वो तो बस मुझे ऐसे ही सरे राह मिल गया था। और मोहब्बत? तुम दो दिन कह रही थी कि तुम्हें उससे मोहब्बत हो गई है। जरूरी तो नहीं है जिससे मोहब्बत हो जाए उसी से शादी हो। तुम उसे भूल पाओगी? नहीं, याद रखूंगी। नताशा, तुम क्या भला हो? मुझे ना तुम्हारी बिल्कुल समझ में नहीं आ रही। मैं क्या चाहती हूँ ये तो मेरे पेरेंट्स को भी आज तक समझ में नहीं आया। और वो जो हर रोज आके मजनू की तरह तुम्हारे रास्ते में खड़ा हो जाता है, उसे क्या जवाब दोगी तुम? लड़कियों के रास्ते में तो हजारों लड़के खड़े होते हैं। कह दूंगी कल उसे कि मैं उससे शादी नहीं करना चाहती। ये क्या है? मेरी असलियत। क्या मतलब? मैं कोई अमीरजादा तो नहीं हूं, एक बेवा औरत का गरीब बेटा। जिस गाड़ी पर मैं आता था उसका ड्राइवर हूं मैं, और वो जो कपड़े पहन के आता था मैं, वो तो एक लॉन्ड्री वाले से लेता था उधार। ये घड़ी, ये चेन, सब कुछ आर्टिफिशियल। पढ़े लिखे हो? बिल्कुल, बीए किया है मैंने। ग्रेजुएशन करने के बाद ढूंढता रहा जॉब, लेकिन जॉब नहीं मिली। तुम तो जानती हो कि बड़ी सिफारिश ना हो तब तक जॉब नहीं मिलती। तो मुझे धोखा देने की कोशिश क्यों की? एक दिन तुम्हें रास्ते में देखा, इस कदर अच्छी लगी कि बार बार देखने को जी चाहा। बस इस डर से झूठ बोला कि कहीं तुम्हें खो ही ना दूं। तो फिर आज क्यों सच बोला? मोहब्बत हुई है तुमसे, और मोहब्बत में झूठ जायज नहीं होता। सच सुन लोगे? बिल्कुल, जो सच बोलने की जरूरत करता है वो सच सुनने का हौसला भी रखता है। ठीक है। उस दिन जहां ड्रॉप किया था मुझे, वहीं आ जाओ। चलो मेरे साथ। दौलत की हवस जो इंसान को अवल से और अबद तक रहेगी। खुदा के लिए मुदस्सिर, ऐसी बातें तो ना करें। मैं पहले ही आपको क्या कम परेशान नजर आती हूँ जो आप मुझे मजीद परेशान किए जा रहे हैं। मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं है। मगर तुमने तो कहा था तुम मुझसे मोहब्बत करने लगे हो। हम अपने घर में बहुत खुश हैं बेटी। खुदा के लिए तुम चली जाओ यहाँ से, चली जाओ। मैंने बताया इसे, मैं दुनिया की हर चीज छोड़ सकता हूँ लेकिन अपनी माँ को नहीं छोड़ सकता। मेरी असलियत। मैं समझा नहीं। बैठो, बैठ के समझाती हूँ।
क्या है? मुझे किसी मुखलिस साथी की जरूरत थी जो सिर्फ मेरी जात से मोहब्बत करे, मगर सब मेरी दौलत के पुजारी थे, इसलिए मैंने पापा का बड़ा घर छोड़कर इस छोटे से मोहल्ले में रहना शुरू कर दिया। तुमने मुझे कंफ्यूज किया, लेकिन मैंने अपनी तलाश जारी रखी और बिलाखिर मुझे वो मिल गया जिसकी मुझे तलाश थी। कौन? तुम हो। मगर मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। मैं किसी अपनी जैसी गरीब लड़की के साथ शादी करूंगा। और मोहब्बत? मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं है। मगर तुमने तो कहा था तुम मुझसे मोहब्बत करने लगे हो। मुझे मोहब्बत उस लड़की से जो फरा के घर में रहती थी। जब मुझे फरा ने बताया कि निताशा के आगे पीछे कोई नहीं है, तो मुझे निताशा से मोहब्बत हो गई थी। इसका मतलब है तुम वाकई वो हो जिसकी मुझे तलाश थी। लेकिन तुम वो नहीं हो जिसकी मुझे तलाश थी। तुम्हें किसकी तलाश है? एक ऐसी लड़की की तलाश है मुझे जो मेरे छोटे से घर में मेरी माँ के साथ रह सके। मैं अपने बाप की सारी दौलत छोड़कर तुम्हारे साथ तुम्हारी माँ के घर रहने को तैयार हूँ। नजरों से नजरें जो मिली, जिंदगी यूं हंसी हो गई, तेरे बिना जिया जाए ना अब, पूरी हो तुमसे मेरी हर कमी। बंद आजो। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम आजी। वालेकुम अस्सलाम। ये निताशा है। ये गाड़ी किसकी है? गाड़ी भी निताशा की है। लेकिन तुमने तो मुझे बताया था कि ये बहुत गरीब है और दुनिया में इसका कोई भी नहीं है। बैठो बैठो निताशा, बैठ के बात करते हैं। बैठे माँ जी, बैठे। आमिर ने ठीक कहा था माँ जी, मैंने आमिर से झूठ बोला। झूठ तो आमिर ने भी तुमसे बोल रखा है बेटी। अम्मा, मैंने सब कुछ सच सच बता दिया निताशा को। बेटी, तुम्हारा सच तो तुम्हारे चेहरे पर लिखा हुआ है। वापस लौट जाओ। तुम्हें बिठाने के लायक तो मेरे घर में कोई जगह नहीं है। और मैं आपको सच बताने आई हूँ। मैं जगह की नहीं, इंसान की तलाश में हूँ, इसलिए कहीं भी बैठ सकती हूँ। कितनी बेवकूफ लड़की है। कितनी बार मैंने इसे समझाया कि जिस किस्म का लड़का वो चाहती है उसे हरगिज़ नहीं मिल सकता। गलती नताशा की नहीं मुदस्सर, गलती हमारे रिश्तेदारों की है, जिन्हें हमारी बेटी नताशा नजर नहीं आती बल्कि हमारी दौलत नजर आती है। दौलत की हवस जो इंसान को अवल से और अबद तक रहेगी, मुझे डर है कि वो कहीं इन चक्रों में भटक ना जाए। खुदा के लिए मुदस्सर, ऐसी बातें तो ना करें। मैं पहले ही आपको क्या कम परेशान नजर आती हूँ जो आप मुझे मजीद परेशान किए जा रहे हैं। क्या बात करती हो? जब मेरे दोस्तों को पता चलेगा कि मेरी बेटी एक काम से मोहल्ले में रहती है और मामूली सी जॉब करती है। आपको अपनी इज्जत की फिक्र खाई जा रही है मुदस्सर, अपनी बेटी नताशा की तो आपको कोई फिक्र नहीं है। बेटी की भी है, एक से बढ़कर एक रिश्ता आ रहा है। वक्त गुजर गया ना तो कोई पूछेगा भी नहीं। मुदस्सर, नताशा को तो सभी लालची लगते हैं। मगर वो जो तलाश करके लाएगी ना, तुम देख लेना, वो सबसे ज्यादा लालची होगा। हद होती है इस लड़की की। मुझे आप लोगों की तलाश थी। ना बेटी ना, तुमने गरीबी का लफ्ज़ सिर्फ किताबों में पढ़ रखा है और हमने सारी जिंदगी गरीबी भुगती है। अमीर और गरीब के दरमियान कभी कोई रिश्ता कायम नहीं हो सकता। जिंदगी बहुत लंबी होती है
और तुम तो यहाँ हमारे घर एक घंटा भी नहीं गुजार सकती, तुम्हारा दम घुटने लगेगा। मैं आप लोगों को अपने घर ले जाऊंगी, वहाँ दुनिया की हर आसाइश मौजूद है। खुदा के लिए बेटी, मेरा बेटा ही मेरी कुल कायनात है, मैं इसके बगैर मर जाऊंगी। कह तो रही हूँ माँ जी, आपको भी साथ लेकर जाऊंगी। हम अपने घर में बहुत खुश हैं बेटी, खुदा के लिए तुम चली जाओ यहाँ से, चली जाओ। मैंने बताया है इसे, मैं दुनिया की हर चीज छोड़ सकता हूँ लेकिन अपनी माँ को नहीं छोड़ सकता। जाओ बेटी, अपने घर चली जाओ और जहां तुम्हारे माँ बाप कहते हैं वहीं रिश्ता कर लो। इस दुनिया में बड़े धोखे हैं और मुझे तुम बहुत मासूम लगती हो। जाओ अपने घर चली जाओ। फिक्र ना करें अम्मा, आपके लिए ऐसी हजार लड़कियां और हजार गाड़ियां कुर्बान, आपके पास ही रहूंगा मैं, फिक्र ना करें आप। अरे शुक्र है मेरे बेटा नताशा, आप आ गए, हम आप ही की तरफ आ रहे थे, आपने याद किया और मैं आ गई। हम तुम्हें भूले ही कब थे बेटा, लगता है तुम्हें हमारी बात समझ में आ गई है। मैं भूलने की चीज़ भी नहीं हूँ डैड, काश तुम समझ सकती नताशा कि हम तुम्हारे लिए किस कदर परेशान थे। बस अब सारी परेशानियाँ ख़त्म। नामुमकिन कभी मुमकिन नहीं हो सकता। नहीं डैड, मुझे जिन लोगों की तलाश थी वो मिल गए हैं। आज का इंसान एक दूसरे के साथ झूठ बोल सकता है, मुनाफ़कत कर सकता है लेकिन मुखलिस नहीं हो सकता। तुम्हारे डैड बिल्कुल ठीक कह रहे हैं नताशा, आजकल मटेरियलिस्टिक दौर है और यहाँ पर लोग अब इंसानों से नहीं रुपए पैसे से मोहब्बत करते हैं। आज भी इंसानियत जिंदा है डैड, कुछ लोग हैं जो दौलत से नहीं इंसानियत से मोहब्बत करते हैं। कहाँ हैं ऐसे लोग, मैंने तो कहीं नहीं देखे। मैं ऐसे लोग देख कर आ रही हूँ डैड। क्या तुम्हें यकीन है जो तुमने देखा है उसमें कोई धोखा नहीं? जी डैड, मैं आंखें बंद करके उन पर यकीन कर सकती हूँ। तुम्हारी खुशी के लिए हम हर किस्म का स्टेप उठाने के लिए तैयार हैं, तुम कल बुला लो उनको। मगर वो तैयार नहीं है डैड, और उनको राजी करना मुझे मुमकिन नहीं लग रहा। फिकर नहीं करो नताशा, तुम्हारी खुशी की खातिर हम उन्हें राजी कर लेंगे। देखो नताशा, अगर ऐसा ही रिश्ता तुम समझ रही हो तो हम इन्हें घर जाके मना लेंगे, ट्रस्ट मी। थैंक यू डैड। मेरी जिंदगी में तेरी जुस्तजू, मेरी बातों में तेरी गुफ्तगू, मेरी सांसों में आमिर। क्या हो गया तुम्हें बेटा? पता नहीं अम्मा, जब से वो गई है जहन से निकल ही नहीं रही। मुझे तो ये लगता है कि लगता है वो एक जमाने से हमारे साथ यहीं इसी घर में रह रही है। लगता है सच में मोहब्बत हो गई है तुम्हें। ये मोहब्बत क्यों हो जाती है अम्मा? इस सवाल का जवाब तो शायद दुनिया के आखिरी इंसान के पास भी नहीं होगा। ये तो आप जानती होंगी अम्मा,
अम्मा उसने जाते हुए एक बार भी पलट के नहीं देखा। क्यों अम्मा? उसने यहीं से तुम्हें भुलाने की कोशिश शुरू कर दी थी। तुम भी ऐसे ही करो। ये इंसान के बस में कहाँ है अम्मा? कोशिश तो करो। कोई तावीज ला अम्मा, तावीज रद्दे बला का। मेरे पीछे मोहब्बत लग गई है। वो तो ख्वाब में भी नहीं आती अम्मा। तुम्हें नींद आई है जो वो ख्वाब में आती? आपने कहा था उसे भूलने की कोशिश करो। उसे भूलने के लिए तो रात भर जागता रहा। आमिर मेरे बच्चे, क्या हो गया तुम्हें? रात बताया तो था आपको? बताया था आपको? मोहब्बत हो गई है मुझे। वो एक ख्वाब था और आंख खुलने के बाद ख्वाब की कोई हकीकत नहीं रहती। उठो और एक नई जिंदगी जीना शुरू कर दो। दूध वाला होगा, मैं देखती हूँ। हमें नताशा ने बता दिया था कि आप लोग रिश्ता लेकर नहीं आएंगे। आपकी खुददारी के बारे में हम जान गए हैं और आज हमने ये रीत तोड़ दी है कि हमेशा लड़के वाले नहीं, लड़की वाले भी रिश्ता लेके आ सकते हैं और हमें यहाँ आके खुशी हुई है। और ये बात भी सच्ची है कि मोहब्बत सच्ची हो तो मंजिल मिली जाती है। उम्मीद करता हूं कि आप अपने दिल से इस रिश्ते को कबूल करेंगे। नजरों से नजरें जो मिली। आमिर बेटा, तुम्हें तुम्हारी सच्ची मोहब्बत नताशा मिल गई है। तेरे बिना जिया जाए ना। सच अम्मा? तुमसे मेरी हर कमी, बंद आँखों से भी तेरा करोड़ों का नुकसान हो जाए मुझे उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। आपको पता है मैं एक असूल पसंद आदमी हूं। तो फिर आज इस अमानत में मैं खयानत करने जा रहा हूं।